उधर कोयटा में तूफानी बारिशों से तबाह होने वाली बिजली और गैस लाइनों की मुरम्मत 10 रोज बाद भी नहीं हो सकी। शहर में बिजली और गैस का बहरान ताहाल बरकरार है। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद बताइएगा। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान भर में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही तो मचाई, जिसके बाद तवानाई का संगीन बहरान पैदा हो चुका है। गुज़िश्ता 10 रोज से कोयटा में न गैस है न बिजली। केस्को हुकाम ने गुज़िश्ता रात ये दावा किया था कि बोलान से आने वाली डबल सर्किट लाइन को बहाल कर दिया गया और बिजली के खंभे जो तबाह हो गए थे उन्हें भी मरम्मत कर दिया गया और कोयटा समेत दीगर इलाकों में बिजली बहाल की गई है। लेकिन अभी तक ये आलम है कि सिर्फ कोयटा के मखसूस VIP वीडर्स के अलावा कहीं भी बिजली दस्तियाब नहीं। अंदरूनी सुबह तो गुज़िश्ता 10 रोज से तारीकी में डूबा हुआ है। यही सूरत हाल कोयटा आने वाली गैस लाइन का है, जो बोलान के इलाके में 24 कुतर इंच और 12 कुतर इंच की जो दो लाइनें थी तबाह हुई, जिसके बाद आज 10वां दिन है। रोज ये दावे किए जा रहे हैं कि आज बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज एक नया दावा SSG की तरफ से सामने आया कि गैस की जो बहाली है, गैस लाइनों की जो मरम्मत का काम है, वो सोमवार तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।